एसी की सर्विस करना सिखाते हैं, जैसे कि लॉकडाउन भी चल रहा है और आप नहीं बुला पा रहे होंगे टेक्नीशियंस को, तो हम आपको करके दिखाते हैं। बड़ा ही आसान है, बड़ा ईजी है, आराम से कर सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी घर में ही आराम खुद ही कीजिए, बिना मत पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो दिखाते हैं आपको, चलो भाई स्टार्ट करो। क्या करना है, सबसे पहले ये लॉक खोलने हैं साइड से। बोल बता भी, बस साथ में बोलता हूँ, बताओ। यहाँ से आपको पुश करना है, हाँ इसको आराम से खुल जाएगा। ये जाली है, इसको उठा के आराम से इसको निकालना है, ठीक है। तो दूसरी जाली ये क्या होता है, क्या इनको बताते रहो, क्या साथ साथ में क्या बोलते हैं इनको? इसको फिल्टर बोलते हैं। अच्छा, इसको साफ करने से हवा क्लियर आती है। कितने दिन में साफ करना चाहिए? हफ्ते 10 दिन इसको साफ करना चाहिए। अच्छा, तो इसको अभी कैसे करेंगे आप साफ? या आप बिल्कुल वैसे ही कर लोगे जैसे कि जो कंपनी वाले करते हैं, जो टेक्नीशियन? देखिए दोस्तों, एक ये डब्बे में है ना, आपको पानी लेना है। पानी में थोड़ा आपने सर्फ डालने घर में, या फिर कोई भी सोप डाल ले इसमें, और डाल के फिर एक ब्रश ले ले, कोई भी ख़राब ब्रश हो, जो हम जो माउथ ब्रश होती हैं, टूथ ब्रश होती हैं, ले भी करके देखा कैसे करते हैं। ये दोस्तों ऐसे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो आपको इस हिसाब से करना ऐसे है। सीधी चलानी है ब्रश आपको, ऐसे नहीं चलानी है, चलाओगे तो आपकी जाली खराब हो जाएगी। हिसाब से यूं करना है, वो इस तरीके से सारी कर लेनी है आपको। टेढ़ी नहीं चलानी, टेढ़ी चलाएंगे तो जो ये आपकी है, ये आप जाली दिख रहे हैं, ये मुड़ जाएगी आपने। ये जो एयर फिल्टर, देखो पहले आप ऐसे इस तरीके से झाड़ देना इनको, निकाल कर दे, और फिर इनको वॉश कर लेना आप पानी से इस तरीके से। ये देखिए ये बिल्कुल साफ हो गया है, देखिए किस तरीके का था, ब्लैक था बिल्कुल सारा डस्ट में, इस तरीके से साफ करने चाहिए। देखो दोस्तों, इस तरीके से ये फिल्टर साफ करके और आपको सुखा के फिर डालने हैं इसमें, गीले नहीं डालने हैं फिल्टर, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ये देखिए इस तरीके से वापस लग जाएंगे। और जो एयर फिल्टर होते हैं, जो ये फिल्टर होते हैं, ये किसी एसी में क्या होता है, किसी में ऊपर की साइड से निकलते हैं, ऊपर की साइड से स्लाइड होकर निकलता है, किसी में जैसे साइड से निकलेंगे, किसी में ऊपर से निकलेंगे, इस तरीके से ये आप देख लेना कैसे होता है। और ये लॉक हमेशा इसके ऑलमोस्ट आपको साइड में मिलेंगे ऐसे, इस तरीके से। ये ऐसा नहीं है कि ये वोल्टास का ऐसे, तो आप वोल्टास का ही करवा रहे हैं या फिर वोल्टास का सिखा रहे हैं, सबका एक ही प्रोसेस होता है करने का। तो इस तरीके से आप साफ कर देखिए, बिल्कुल कैसा नीट एंड क्लीन हो गया एकदम से। तो अब आपको हम जो आउटडोर है इसकी जो बाहर यूनिट लगी है उसके बारे में बताएंगे, कैसे उसको सर्विस करना है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। ये हमारे एसी का देखो आउटडोर लगा हुआ है, अब इसको साफ करना मेनली। इसको देखो, ये जालियाँ होती ना, ये देखो ये जालियाँ होती है, इनमें डस्ट कितनी घुसी हुई है, मेनली ये साफ करना होता है। दिखाते हैं आपको कैसे करना है। दोस्तों आपको इस तरीके से, सबसे पहले तो देखो, अगर आपके पास प्रेशर है, पाइप है, जैसे मोटर पाइप है, तो दी बेस्ट है, उससे अच्छा तो है ही नहीं कुछ। और फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से आप इसमें लीजिए पानी बकेट में, और इसको पानी ऐसे मारना आपको, आपको इसमें कम से कम भी दो बाल्टी पानी मारना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी तरीके से पानी मारिए, ऐसा नहीं है कि कोई मोटर भीगने का डर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, कोई भी मोटर वोटर ऐसी नहीं होती है इसमें जो भीगने का डर हो, जिससे आपको दिक्कत आए। लेकिन हाँ, पावर पॉइंट बंद रखे हमेशा एसी का, जो पावर है एसी बंद रखे, इस तरीके से मारना आपको, 2 से 3 बाल्टी मारना दोस्तों आप।
आपका एसी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, सर्विस हो जाएगी आपकी। फिर आपको दोस्तों कुछ एक आपको ऐसे आगे से मारना, मान लो दो बाल्टी पीछे से मार दी आपने पानी और एक बाल्टी आगे से मारना, थोड़ा स्पीड से मारना है इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए कैसे डस्ट निकल रहा है, देखिए आपको दिख रहा हो पानी का रंग भी, देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप करेंगे तो दोस्तों आपकी एसी की सर्विस कंप्लीट हो गई है और आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आप अपने घर में अपने आराम से अपने आप ही कर सकते हो और हर महीने आप करते रहिए सर्विस को घर में, तो जिसका आपको कोई पैसा लगेगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा, अगर बिल्कुल ज़रा सा भी अच्छा लगा या फोटो आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।